दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर तेजस्वी और करण कुंद्रा एक दूसरे के साथ काफी प्यारी बॉन्डिंग शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा करण कुंद्रा तेजस्वी को अपना जो सपना है वो भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कल तक जो करण और तेजस्वी एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे, आज एक बार फिर से दोनों एक हो चुके हैं और इस समय अपने फ्यूचर की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान दोस्तों करण कुंद्रा तेजू को कह रहे हैं कि मुझे अपने आप पर इतना भरोसा है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा पिता बनूंगा और मैं चाहता हूं कि मेरी एक बेटी हो और मेरी बेटी होने के बाद में मैं उसका काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा। मेरी बेटी के पास एक गन होगी और मेरी बेटी के पास कई स्पोर्ट्स कार भी होगी और मैं मेरी बेटी के लिए सबसे अच्छा डेट बनकर दिखाऊंगा। ये सुनकर दोस्तों तेजस्वी काफी खुश नजर आई और इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि मैं तो बनूंगी ना, मैं काफी स्टिक मां बनूंगी। इसके अलावा तेजस्वी ने करण से पूछा कि तू ये सारी बातें क्यों कह रहा है, तुझे अपने आप पर इतना भरोसा है? जिस पर करण ने कहा कि हाँ, मुझे इतना भरोसा है कि मैं मेरी बेटी के लिए सबसे अच्छा पिता बनकर दिखाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों करण ने आगे कहा कि अगर कोई लड़का मेरी बेटी को छेड़ेगा फिर देखना मैं उस लड़के का क्या हाल करता हूँ, मैं उस लड़के के हाथ पैर सब कुछ तोड़ ताड़ के आ जाऊंगा, लेकिन कभी भी अपनी बेटी को दुख तकलीफ में नहीं देख सकता। ये सारी बातें सुनने के बाद दोस्तों तेजस्वी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। वहीं दोस्तों इस दौरान करण कुंद्रा भी तेजस्वी का हाथ पकड़ कर ये सारी बातें कह रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मानो ये सारी बातें करण तेजू को ही बताना चाहते हैं कि तुम ही मेरी बेटी की माँ बनोगी। फिलहाल दोस्तों आपको तेजू और करण की ये प्यार भरी बातें कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और क्या आपको भी लगता है करण कुंद्रा सबसे अच्छे पिता बन सकते हैं? साथ ही साथ कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।